अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्लैमरस फेस की फाउंडेशन का रिव्यू। इसके फाउंडेशन के साथ ही मैं आप लोगों के साथ ग्लैमरस फेस का जो लूज पाउडर है इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही कमाल की है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है इसकी, और अंदर से कुछ दिखने में इस तरह ग्लास बोतल में बहुत ही क्यूट सी इसकी पैकिंग है। अच्छा जी, ग्लैमरस फेस लॉन्ग लास्टिंग SPF 15 के साथ है। इसमें जो मेरा नंबर है वो है SunBait02। मज़े की बात, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं और आपको किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएंगी, वरना इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग इनकी वेबसाइट से भी जाके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चले मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। फेस पे मैं अप्लाई नहीं कर सकती इसलिए मैं हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने कुछ पहले इस तरह से खोल ली थी, आप इसे दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैं इसका पंप ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी बस मैंने फाउंडेशन इसकी ली है। अब मैं एक ब्रश लूँगी, स्ट्रिपलिंग ब्रश, इससे मैं अच्छे से इस फाउंडेशन को अपने हाथ पे अच्छे से फैला लूँगी, ठीक है। इससे एक तो ये होगा, डायरेक्ट अगर हम स्पंज से अपनी बेस सेट करेंगे तो जितनी भी बेस हमारी फाउंडेशन होगी वो सारा स्पंज अब्जॉर्व कर लेगा। तो पहले यही बेस्ट रहता है कि आप लोग ब्रश से अपने फाउंडेशन को सेट करें। अब यहाँ पर देखें, मैं निकालूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर और इसे मैं करूँगी वेट, ठीक है। इसे मैं अच्छे से कर लूँगी गीला ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब भी फाउंडेशन आप अपने फेस पे अप्लाई करें तो स्पंज को आप वेट कर लिया करें। गीला स्पंज हो मीन्स इसका जो पानी है वो आपने बाद में अच्छे से निचोड़ लेना है, पानी निकाल के फिर आपने इसे यूज़ करना है। इससे आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ड्यूई, बहुत ही ग्लोई बनेगी, आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो कवरेज है वो इतनी फुल कवरेज नहीं है और बहुत ही लाइट वेट है, थिक नहीं है, रनी है ये फाउंडेशन। अब मैं इसे दोबारा फाउंडेशन लूँगी और इसे अपने जो हाथ पे अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी। दोबारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोग मेरे फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका देखें, क्रिस क्रॉस में भी मैं कर रही हूँ कि वो मेथड है जहाँ पे आप लोगों की फाउंडेशन क्रैक होती है, नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, जहाँ से हमारी फाउंडेशन फटती है, क्रैक हो जाती है, तो वहाँ पर हम क्रिस क्रॉस करके अपनी फाउंडेशन को इसमें सेट करते हैं। बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपनी फाउंडेशन को अच्छे से इतना डैब डैब करके सेट कर लूँगी। आपने रगड़ रगड़ के अपने फेस पे फाउंडेशन को सेट नहीं करना, ब्यूटी ब्लेंडर को आपने जैसे हवा में चलाना है और डैब डैब करके अच्छे से, देखें मैं ऑब्जर्व कर लिया है और यहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन है वो सेट हो गई है। अच्छा, ये फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं है, अगर आप लोगों को ज़्यादा बेस चाहिए, ज़्यादा फाउंडेशन चाहिए तो आप लोगों ने एक दो लेयर इसकी ज़्यादा अप्लाई करनी है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि हमने अपनी फाउंडेशन को सेट कैसे करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का लूज फेस पाउडर। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, बहुत ही क्यूट इसकी पैकिंग है और इसमें जो मेरा नंबर है वो है Fair 2, ठीक है, Fair 02 इसका नंबर है। और सबसे पहले तो इसका ऊपर ब्रश लगा हुआ है, आप इस ब्रश से भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं इस पाउडर को। और ये जो पाउडर है लूज पाउडर हर शेड में अवेलेबल होता है। अब ये वेट स्पंज है जिसे हमने अपनी फाउंडेशन अप्लाई की थी, इसी स्पंज से मैं अपने हाथ पे देखें इस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड और आइज़ के नीचे हम इस पाउडर को अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी बेस ने जितना भी अब्जॉर्व करना होगा वो कर लेगा। उसके दौरान आप लोग आई मेकअप कर लें, अपना बाकी मेकअप कर लें, तो आपकी जो बेस है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होंगी। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है और बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आता है तो आप लोग स्पंज से अप्लाई करें। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप लोग इस तरह ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे बाद में डस्ट ऑफ कर दें, ठीक है। स्पंज से भी अप्लाई करने के बाद आप लोग इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, अपना आई मेकअप कर लें। आई मेकअप करने के बाद आप इसे डस्ट ऑफ करते हैं इस तरह एक बड़े ब्रश की हेल्प से। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है और हल्के हाथों से आपने इसे डस्ट ऑफ कर देना। अच्छा जी, लूज फेस पाउडर भी बहुत ही लाइट वेट होता है, हर कलर में ये अवेलेबल होता है और अगर आप इसे अपनी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करें तो आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाती है, आपकी फाउंडेशन बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। और उसके अलावा अगर आप लोगों के पास मेकअप फिक्सिंग स्प्रे नहीं है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस लूज फेस पाउडर को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो बेस है वो फिक्स ही रहेगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, मेरी टिकटॉक आईडी भी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।